6 जनवरी को इंदौर मुसाखेड़ी के विराट नगर स्थित आजाद नगर थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पास में रहने वाली सिकंदर शाह और उसकी पत्नी एवं पुत्र द्वारा डंडे और सरियों से बेरहमी से मारपीट की गई। पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसकी शिकायत रीटा डागरे द्वारा आईजी हरिनाचारी मिश्र को की गई। वही मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी पारित किए गए हैं। पीड़ित द्वारा बताया गया कि पास में रहने वाले सिकंदर शाह व उसकी पत्नी और पुत्र द्वारा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बुजुर्ग महिला से आए दिन विवाद करते रहते हैं और पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 6 जनवरी को कचरा फेंकने की मामूली सी बात को लेकर सिकंदर शाह और उसके पूरे परिवार द्वारा बुजुर्ग महिला और उसके परिवार के बच्चों पर लाठी डंडे और सलाखों से बेरहमी से पीट दिया गया। वहीं जब पूरे मामले में आजाद नगर थाने द्वारा लीपापोती कर मामूली धाराओं में आरोपियों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र से की गई है। कहां की घटना और क्या घटना हुई आपके साथ, किसको मारा पीट किया? मैं टीना चौहान, मुसाखेड़ी विराट नगर में, विकास नगर है पास में, दरगाह के पास में मैं वहाँ पे रहती हूँ। मैं कचरा फेंकने गई थी तो उनके बच्चों ने मेरे पे हमला करा। एक दो बार पहले भी उनने थूका थाकी करा, साहू जी की लड़कियाँ और लड़का, तो उन्होंने मेरे पे हमला करा। उनको समझाने गई, देखो आपके बच्चे आए दिन ऐसे काम करते हैं, हम पे थूकते हैं, तो उन्होंने ये बात को मारो इसको, बोले मारो इसको। फिर उसने हमको घेर के आधे घंटे तक, आधे घंटे से भी ऊपर बंदर बना के मेरे को रखा है। उसकी लड़कियाँ ने ऐसा घेरा डाला, हाथों में हाथ ऐसे डाल डाल के और पीछे हाथ कर करके, उसका पूरा वीडियो भी है। इतनी बेद तरीके से मारा कि मेरे कान के झुमके उनके सब उनने तोड़ा ताड़ी करके टोटल नीचे से बीन रही है, वो भी उनकी फोटोज़ में दिख रहा है। और पड़ोसी नहीं, वो कानर पे रहते हैं, मेरा घर अंदर है, और बोलते हैं कि तू अगर बाहर आएगी तो तेरे बच्चों को हम पोटली की तरह अंदर डाल के उसके और भैली कर देंगे, बोले रिपोर्ट डालने जाएगी। तो नहीं, मेरा निकलना वहीं से, अब पता नहीं वो ऐसा उनकी बच्चियाँ गुंडे टाइप की है, वो मतलब कुछ न कुछ किसी को जो उनको मन में आता है ना उनको बोलना है, यानी कि बोलना है। हाँ, उसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ करी? उसकी शिकायत मैंने आजाद नगर थाने में करी थी, तो वहाँ बराबर सुनवाई नहीं हुई थी, उन्हें से हमारी सिर्फ दर्ज ही करी थी ये आवेदन। हाँ, फिर हमको यहाँ लाया गया, रीता डांगरे ये सब संस्था मिलके हमको यहाँ पे लाया। क्या बोले अंदर आपको? अंदर ये बोले हैं कौन? विधिक संकल्प। विधिक संकल्प, हाँ। फिर उन्होंने हम अभी बोला है, उनने डीआईजी वहाँ से फोन लगाया, बोले के करवा देंगे, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। एसपी साहब के पास जाओ। किसका नंबर दिए? आपका नाम बताओ। मेरा नाम टीना चौहान। सर, सराफा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व लूट हुई थी, उसमें क्या? 18 दिसंबर को सराफा में एक बड़ी नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया था और जो वर्तमान में पुलिस रिमांड पर है। आरोपियों से पूछताछ में तीन अन्य लोगों के नाम आए हैं, जिसमें एक ने सोने को गलाया था और दूसरे ने मध्यस्थ की भूमिका कर उस सोने को बिकवाया, और तीसरा व्यक्ति है जिसने वो सोना कम दामों पर खरीदा। ये जानते हुए कि वो सोना चोरी का है, उसके द्वारा कम दाम पर खरीदा गया, पुलिस ने इन तीनों ही व्यक्तियों को पता लगाया है और इनको हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।